सुशील जी यहाँ पे एक चीज पूछू आपसे पे आप पिछले दो है? तीन दिनों में निफ्टी आईटी में और आईटी स्टॉक्स में एक डिलीवरी है इन्फोसिस में काफी आई निफ्टी निफ्टी के ऊपर आया आईटी पर आपका व्यू और किन स्टॉक्स को आप चेज करना चाहेंगे या फिर हायर लेवल पे सेल करना चाहेंगे व्यू क्या आपका देखिए निफ्टी आई जो इंडेक्स है ना वो थोड़ा सा एक विचित्र इंडेक्स है और इंडेक्स पे व्यू लेने में और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे व्यू लेके पैसे कमाने में अलग बात है तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी एक बार एक बार अगर आप देखोगे नीचे से तो निफ्टी आईटी आई एक बार के लिए फिलहाल ओवरबॉट होने के करीब बढ़ रहा है तो ये पुल बैक में लेने की चीज है और पुल बैक इसका सत्ताईस सौ साठ तक आ सकता है तीन हजार दिखा के फिर वहां से इसको लेकर आप इकतीस हजार तक ले सकते हो तो इकतीस तो हजार तक ये जा सकता है तो एक बार के लिए वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ओवरबॉट हो गए हैं ये नेक्स्ट पुलबैक में इन्फोसिस विप्रो टीसीएस लिए जाएंगे और ये बाजार के सिंक से बाहर चल रहे हैं जब बाकी बाजार बढ़ रहा था ये गिरते गए अब बाकी बाजार गिरने की तैयारी में लग रहा है लार्ज कैप्स तो आईटी स्टॉक्स उसे संभाल रहे हैं अडानी के बाद एक सेकंड हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो है आईटी स्टॉक्स में है और मैं माफी चाहूंगा पर ये मेरा निजी विचार है टू डे मूविंग एवरेज को देखना और गांजा फूकना दोनों बराबर है क्योंकि मैथमेटिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एड्रेस नहीं होती है वी नॉट एवर आंसर क्वेश्चन मूविंग एवरेज बेटर देन और तो तीनों ही एवरेजेस एवरेज तो को देख लीजिए उससे मैं बाइंग सेलिंग के सिग्नल नहीं निकालूंगा मैं मूविंग एवरेज टू हंड्रेड ए मूविंग एवरेज से रिलेटिव स्ट्रेंथ है भैया ये स्टॉक है स्ट्रॉन्टॉक्स वीक है बाइंग तो सेलिंग का फैसला कभी नहीं करना चाहिए ये मेरा अनुरोध है इसमें बहुत बुरी तरह आदमी फंस जाता है